दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेडिक पे। इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट ईयरफोन अंडर 1000 रुपीस के बारे में। यहाँ पे अगर आप एक ईयरफोन लेना चाहते हो और आपका बजट 1000 रुपए है, एक अच्छा ईयरफोन लेना चाहते हो, वायर्ड ईयरफोन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसे टॉप 5 वायर ईयरफोन के बारे में जिसको आप कंसिडर कर सकते हो 1000 रुपए के अंदर। सो गाइस बहुत कुछ है जानने और समझने को। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, दबा दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं रेडिटेक। आइए जानते हैं दोस्तों 1000 रुपए का ईयरफोन लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप अच्छे क्वालिटी के ईयरफोन्स ले पाओ। बातें वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे सबसे पहली जो बात है वो है वारंटी। आप चांदनी चौक से ईयरफोन नहीं ले रहे हो, 50-100 रुपए का ईयरफोन नहीं ले रहे हो, आप खरीद रहे हो 1000 रुपए का वायर्ड ईयरफोन, तो यहाँ पे आपको एक चीज कंसिडर करना है कि जो वारंटी हो ईयरफोन की वो एटलीस्ट 1 साल की मिले। अगर 1 साल की नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ रीजंस होंगे, तो यहाँ पे अगर आपको वो रीजन समझ में आते हैं तो ही आप लेना। अगला जो फीचर है इस प्राइस पॉइंट में वो है साउंड ड्राइव्स का। ऑब्वियसली बात है हम ईयरफोन्स बेसिकली म्यूजिक सुनने के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे ड्राइव्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि सबसे अच्छा क्वालिटी का ड्राइव आप लो, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप 10 mm की ड्राइव के लिए जा सकते हो। 10 mm की ड्राइव बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा खराब नहीं होता, बट इस प्राइस पॉइंट के लिए दी परफेक्ट है। उससे कम की ड्राइव को भी आप कंसिडर कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 10 mm वाली ड्राइव का ही ईयरफोन परचेस करो, बट 10 mm ड्राइव एक स्टैंडर्ड होता है, तो ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। और एट द एंड ज्यादातर फोन्स में 3.5 mm जैक हट चुका है, लेकिन अगर आप लकी हो आपके फोन में 3.5 mm जैक है तो यहाँ पे आप वही हेडफोन लेने के बारे में सोच रहे होगे। ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे जब आप 3.5 mm हेडफोन्स के बारे में सोचो तो प्लीज आप कंसिडर करो 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड हेडफोन्स, वो ज्यादा बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अच्छा होता है और काफी लंबे टाइम तक भी चलता है। सो गाइस अब आते हैं प्रोडक्ट्स पे और बात करते हैं बेस्ट ईयरफोन्स अंडर 1000 के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला जो फोन है वो आता है सोनी की तरफ से, सोनी MDR-EX150, और इसी के साथ MDR-X155 को भी आप कंसीडर कर सकते हो। मैंने दोनों एक साथ बता दिया, प्राइस में वेरिएशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं EX150 के बारे में। दोस्तों EX150 की बात करें तो यहाँ पे सोनी ने 9 mm का ड्राइव मुहैया कराया है जो की बहुत अच्छी चीज है, और ये ईयरफोन 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड जैक के साथ आता है। दोस्तों बात करें अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 Hz तक जाती है और मैक्सिमम 24,000 Hz तक जाती है, और साथ ही एक डायनामिक बेस के साथ भी आता है। एक ईयर की इसमें आपको वारंटी मिल जाएगी। दोस्तों सोनी X150 आता है बेहद ही बेहतरीन फीचर्स के साथ, लेकिन इसमें एक कमी है। कमी क्या है, इसकी जो नॉइस कैंसिलेशन कैपेसिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, मींस नॉइस कैंसिलेशन आपको उतनी बेहतर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये तो थी इसकी कॉन, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस है टोटल 1000 रुपए। डिस्काउंट्स में आपको इससे भी कम में मिल जाएगा, कई जगह अगर शॉर्टेज हो तो ये उससे भी ज्यादा में मिलेगा। करंट प्राइसिंग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, अगला जो ईयरफोन है वो है JBL-T205। दोस्तों बात करें अगर इसकी कुछ फीचर्स की तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 12.5 mm की ड्राइव जो कि बहुत अच्छी चीज है, फ्लैट केबल्स के साथ आता है यानी कि टैंगल फ्री है। यहाँ पे जो हमें जैक दिया गया है वो भी दिया गया 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड जैक, सो ओवरऑल JBL-205 एक अच्छा पैकेज हमें देता है। दोस्तों माइक की बात करें तो यहाँ पे माइक अच्छा परफॉर्म करता है। वारंटी की बात कर ले तो यहाँ पे 1 साल की वारंटी दी गई है। दोस्तों प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 950 रुपए। बढ़ते हैं आगे, अगला जो ईयरफोन है अपने पास वो है ब्लाउपंक्ट। दोस्तों बात करें अगर इसकी की स्पेसिफिकेशंस की, दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 10 mm की ड्राइव, 3.5 mm की L-शेप जैक भी मिल जाती है। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 20 से लेके 20,000 Hz तक की फ्रीक्वेंसी है। इनलाइन माइक मिल जाती है विद रिमोट्स, तो आप वॉल्यूम वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो। 1 साल की वारंटी इसमें दी गई है। दोस्तों बात करूं अगर मैं इसकी प्राइस की तो यहाँ पे इसकी प्राइस है 599 रुपए। दोस्तों अब हम आ चुके हैं आखिरी दो ईयरफोन्स पे। आखिरी दो ईयरफोन्स के बारे में बताने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, रिसर्च मेरी पसंद आ रही हो, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। नए हो चैनल पे तो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, दबा दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट हमारा, जल्दी से कंप्लीट करवा दो। दोस्तों अगला जो ईयरफोन है वो है रियलमी की तरफ से, रियलमी बर्ड्स 2। ज्यादातर लोग इस ईयरफोन के बारे में जानते हैं और उनके लिस्ट में इस प्राइस पॉइंट में ये होता ही है, फिर भी मैं यहाँ पे अगर कुछ की स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो यहाँ पे रियलमी ने इसमें मुहैया करा है 11.2 mm की ड्राइव, इनलाइन माइक मिलती है, रिमोट
मोड के साथ। ऑब्वियसली बात है इसमें 11.2 mm की ड्राइव दी गई है तो इसकी बेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ओवरऑल ये एक अच्छा ईयरफोन है, लेकिन यहाँ एक ही चीज की कमी है कि जो वारंटी है वो 6 महीने की मिलती है। मेरे ख्याल से ज्यादा प्रैक्टिकल वारंटी है, बट मैं यहाँ पे 1 साल की वारंटी कंसिडर करना ज्यादा पसंद करूंगा। बट 6 महीने की वारंटी अगर आप ईयरफोन्स बार बार चेंज करते हो तो हो सकता है आपको ये सूट करे। दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 599 रुपए। दोस्तों आखिर में जो ईयरफोन है आप इसको नंबर 1 भी कह सकते हो। बेसिकली मैं रैंकिंग नहीं दे रहा हूं तो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आखिरी ईयरफोन की इस लिस्ट की, तो यहाँ पे है बोट बेस हेड 250। दोस्तों बोट बेस हेड 250 की बात की जाए तो यहाँ पे 10 mm की ड्राइव हमें देखने को मिलती है। फ्रीक्वेंसी वही टिपिकल 20 से 20,000 Hz की। नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये बेस सेंट्रिक ईयरफोन है, तो किसी को म्यूजिक बहुत ही तगड़ा सुनने की आदत है तो आप इसको कंसिडर जरूर से कर सकते हो। एल सेप गोल्ड प्लेटेड जैक यहाँ पे हमें मिल जाता है 3.5 mm की, और 1 साल की वारंटी भी मिलती है। माइक जो है वो नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है, तो बिंदास आप माइक का यूज कर सकते हो। यहाँ पे माइक में रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। दोस्तों बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 599 रुपए। सो गाइस ये थी मेरी पिक टॉप 5 बेस्ट ईयरफोन्स अंडर 1000 रुपीज के बारे में। यहाँ पे एक और ईयरफोन है जिसको मैं जरूर से मेंशन करना चाहूंगा, MI डुअल ड्राइवर, तो आप उसको जरूर से कंसिडर कर सकते हो। बेसिकली क्राइटेरियाज में फिट नहीं हो रहा था इसके लिए, थोड़ा नीचे था, बट अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो ये भी एक अच्छा ईयरफोन है। दोस्तों बताना नीचे कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे जरूर से कमेंट करके बताना। नए हो अगेन चैनल पे, अगर एकदम ही नए हो, नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा दबा दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।